हो जाता है। अब एक और पॉइंट आता है कि क्रिंकल लीफ कपास में होता है, क्रिंकल लीफ होता है, लिटिल लीफ होता है कॉटन में, तो लिटिल लीफ और क्रिंकल लीफ ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्रिंकल लीफ जो होता है मैग्नीशियम एमएन, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीज की कमी से एमएन यानी मैग्नीज की कमी से कमी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि अधिकता हो जाती है। क्रिंकल जो लीफ होता है कॉटन में, क्रिंकल लीफ जो होता है वो एमएन की टॉक्सिसिटी से कॉटन में होता है। और अगर हम कहें कि जो लिटिल लीफ है कॉटन में, लिटिल लीफ जो होता है जिंक की डिफिशियंसी से होता है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद कॉटन में अगर हम डिजीज की बात करें तो डिजीज में ज्यादा कोई रोग नहीं है, केवल एक ही दो रोग इंपॉर्टेंट है, तो एंथ्रेक्नोस भी है कॉटन में लगता है, लेकिन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज नहीं है। बिल्कुल भी लगता है फ्यूजेरियम मॉलिफेरम होता है। केवल एक ही महत्वपूर्ण डिजीज कॉटन में है, जिसका नाम है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, यानी कि जीवाणु झुलसा कॉटन का, तो इसी को ब्लैक आर्म डिजीज भी कहा जाता है। ये तीन जगह पर इफेक्ट करती है कॉटन में, लीफ पर, स्टेम पर और जो है सीड पर, तीन जगह पर इफेक्ट करती है। इसलिए खतरनाक बीमारी बताई गई है कॉटन की, कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट है कॉटन की, जीवाणु झुलसा है, ये तीन जगह पर इफेक्ट, इसीलिए इसको ब्लैक आर्म डिजीज कहते हैं। ब्लैक कलर के स्पॉट तने पर पड़ जाते हैं, इसको ब्लैक आर्म कहते हैं। तो ये पत्ती पर प्रभाव डालती है, तने पर प्रभाव डालती है और एज वेल एज सीड पर भी प्रभाव डालती है, तो तीन चीजों पर प्रभाव डालती है। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं चौथी बात हमारी आती है, इसमें इंसेक्ट और पेस्ट के विषय में। तो इंसेक्ट तो बहुत ज्यादा लगते हैं इसमें, तो इंसेक्ट में अगर हम देखें तो हरा टीला है जिसको जैसेट कहते हैं, तो जैसेट जो होता है अमरास का बिगुटेला होता है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है अमरास का बिगुटेला। और ये जो होता है हरा टीला, ये कॉटन में जो है पत्तियों को चूसता है, यानी उसका जूस चूसता है, और जूस चूसने से क्या होता है, जो कॉटन का पत्ती है वो कर्लिंग हो जाती है, मतलब घूम जाती है, मुड़ जाती है, ये स्थिति हो जाती है। और इसके बाद अगर इसका हम नियंत्रण करना चाहें, तो इसके नियंत्रण के लिए हम जो है इमिडाक्लोप्रिड भी डाल देते हैं, डाइमेथॉइड भी डाल सकते हैं ना, इमिडा या डाइमेथॉइड, या फिर थायोमेथॉक्साम का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तीन इंसेक्टिसाइड इसके लिए रिकमेंडेड है, इमिडा है, इमिडा का मतलब इमिडाक्लोप्रिड है, थायोमेथॉक्साम है, डाइमेथॉइड है, है ना। और इसके बाद इसमें लगता है पिंक पूलवर्म ना, जिसको सभी जानते होंगे, कपास का गुलाबी सुड़ी या गुलाबी कीट, तो दिस इज अ वर्ल्ड वाइड डिजीज, पूरे विश्व में होता है। और इसका जो कीट है इसका नाम है पैक्टिनोपोरा गासीपिल्ला, और गासीपिल्ला जो होता है ये क्या करता है कॉटन में, ये बहुत खतरनाक इसका कीट होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम देखते हैं पैक्टिनोपोरा गासीपिल्ला के नियंत्रण के लिए देखें, तो हमें इसमें सबसे बड़ा नियंत्रण यही करना होता है कि हम क्या करें, इसमें जो है बीटी वैरायटी केवल बोए, बीटी कॉटन बोए, तो इससे हमें इसका नियंत्रण जो है मिल सकता है, ठीक है, किसका, पिंक फूल बनता है यानी कि गुलाबी कीट। और अगर हम और इंसेक्ट की इसमें बात करते हैं, तो स्पॉटेड गुलबन भी होता है, चितकबरा सुड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, चितकबरी सुड़ी, स्पॉटेड गुलबन, इसके ऊपर ब्लैक और ग्रीन कलर के स्पॉट होते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है स्पॉटेड गुलबन, है ना। एरिस बेटेला होता है, एरिस बेटेला ये भी खतरनाक, ये देखिए फैमिली या इंसेक्ट है, यानी फैमिली में लगता है मालवेसी में जो कॉटन और साथ साथ में भिंडी की फैमिली है, तो इसके नियंत्रण के लिए हम भिंडी जो है ट्रैप के रूप में इसमें लगा सकते हैं। तो हमारे भिंडी में अगर नियंत्रण एरिस बेटेला या चितकबरी सुड़ी का करना है, स्पॉटेड गुलबन का करना है, तो भिंडी को हम जो है बाहर ट्रैप के रूप में लगा सकते हैं, तो इससे नियंत्रण हो जाएगा हमारा, है ना। और इसके बाद उत्पादन की बात करते हैं, तो उत्पादन में कॉटन में हम देखते हैं लगभग अगर हाइब्रिड कॉटन है, तो लगभग हम अगर बात करें तो 25 क्विंटल, 15 से 20 से 25 क्विंटल के करीबन हाइब्रिड का होता है, और 12 से 15 क्विंटल जो होता है वो देसी कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और अगर हम एक गांठ की बात करें, तो एक गांठ बराबर कॉटन में होती है 170 किलोग्राम, अगर वही गांठ की बात अगर जूट में करते हैं, तो एक गांठ का वजन जो होता है वो 180 किलोग्राम के करीबन होता है, ठीक है। तो इतनी बातें जो है इसमें, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे, तो एलोमीटर से क्या मापते हैं, कभी कभी आ जाता है, तो एलोमीटर से विद्यार्थियों का कॉटन में इसकी मैच्योरिटी चेक करते हैं, फाइबर की, फाइबर जो है कॉटन का वो पका के कच्चे ही खोल लिया तुमने, अगर हम कहें जैसे गन्ने में हैंड रेफ्रेक्टोमीटर का सुक्रोज के लिए, तो उसी प्रकार से एरोमीटर जो होता है वो फाइबर की मैच्योरिटी को चेक करता है कि फाइबर पका है या कच्चा ही है ना, तो इसलिए एरोमीटर का प्रयोग करेंगे। फिर हमने कल आपको नेपिनेस के विषय में बताया था, है ना, नेपिनेस जो होता है उसके विषय में बताया। अभी एक और इसमें टर्म ये आता है स्पाइनिंग, क्या होता है कॉटन में स्पाइनिंग, तो नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं, नंबर ऑफ काउंट्स का मतलब स्पाइनिंग में कॉटन का भी हम सब आपको डिस्क्राइब से धीरे धीरे बताएंगे, एक बार हम ओवरव्यू दे रहे हैं केवल। स्पाइनिंग का मतलब होता है कि कॉटन में जो है कॉटन के कितने वजन से, अगर हम रुई लेंगे कॉटन की, जो रुई है कॉटन लेंगे, उसके कितने वजन से हम कितनी लंबी और अच्छी रस्सी तैयार करते हैं, इसी को स्पाइनिंग वैल्यू ऑफ कॉटन कहते हैं, यानी कि कितना रुई से हम कितनी लंबी अच्छी रस्सी बना सकते हैं, या उसका कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कुछ कॉटन सड़ा निकल जाता है, कहीं गला निकल जाता है, कहीं कटा निकल जाता है, फटा निकल जाता है, तो ये हटा देने से, मतलब ऐसा कौन सा कॉटन है जिसमें सबसे ज्यादा प्योर कॉटन और उससे सबसे ज्यादा हम आर्थिक लाभ कमा सकें, वही इसकी स्पाइनिंग मिल होती है, ठीक है। तो ये इतना आपको जो है कॉटन में भी पढ़ना है। और इसमें जो बीटी कॉटन वगैरह के सीड रेट हमने बताया, हाइब्रिड कॉटन का भी सीड रेट बताया है, हाइब्रिड का अगर सीड रेट की हम बात करें, तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हाइब्रिड कॉटन का सीड रेट होता है। और जब सीड रेट कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है स्पेसिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, 100x60 सेंटीमीटर करनी पड़ेगी। और अगर बीटी कॉटन की बात करें, तो जो सीड रेट होती है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और इसमें जो है हेक्टेयर में 10,000 ही पौधे लगते हैं बीटी में। अगर हम अल्ट्रा नैरो रूप में कॉटन को बोना चाहें, यानी बहुत सघन कॉटन को बोना चाहें, यानी कि 19 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में बोना चाहें, तो कॉटन के लगभग 1 हेक्टेयर में 2.25 लाख, यानी कि 2,27,000 तक पौधे हम लगा सकते हैं। तो ये बात हुई। और एक बात और आपकी कभी कभी कॉटन में पूछी जाती है कि ये जो भूल बन के खिलाफ कॉटन आया था बीटी कॉटन, इसका जीन क्या है, तो इसका जीन भी हम आपको बता देंगे, CRY1AC और CRY1AB, है ना, CRY1AC और CRY1AB, ये दोनों जीन थे, ये बोलगार्ड कंपनी ने निकाले थे, और इन्हीं जीनों के कारण जो है बीटी कॉटन प्रभावशाली है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपकी पीपीटी में क्या बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको जो है कॉटन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, एक बार हमने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया कॉटन के विषय में, अब हम आपका सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले पिकिंग या चुनाई के विषय में लिखा हुआ है, हमने पहले बताया था आपको कि कॉटन में पिकिंग क्या होती है, चुनाई यानी कि बूलर को तोड़ना,
फूलों को तोड़ना, ये देखिए लिखा है फूलों या गूलर को तोड़ना ही, फूल तो पहले होगा ये फिर जब पक जाएगा तो गूलर कहेंगे इसे, तो गूलर को तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे हम, पिकिंग कहेंगे। और देसी काटन में 5-6 दिन के अंतराल पर 10-12 पिकिंग होगी, और अगर अमेरिकन की बात करें तो 3-5 पिकिंग ही होती है, यानी कि अमेरिकन काटन में पिकिंग कम होती है और देसी काटन में पिकिंग अधिक होती है, ठीक है। तो ये अभी ऐसा है क्योंकि अमेरिकन में अधिक कम होती है और देसी में ज्यादा पिकिंग होती है, इसका ज्यादा कारण यह है कि अमेरिकन काटन जो होती है उसमें क्या स्थिति होती है, उसका फ्लावर थोड़ा बड़ा होता है ना, और इसकी स्पेसिंग भी थोड़ी ज्यादा होती है, और देसी थोड़ा कम स्पेस भी होता है, और साथ साथ से इसका गोला भी छोटा होता है, तो ज्यादा बार इसमें जो है हमें पिकिंग करनी पड़ती है 3-5 दिन के अंतर में, और अमेरिकन काटन में जो पिकिंग कम करनी पड़ती है, 3-5 पिकिंग ही करनी पड़ती है, थोड़ा ही पिकिंग कम होता है, गोला को तोड़ तोड़ के अलग रखा जाता है एक ही समय पर। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म मैच्योरिटी नहीं है ना, यूनिफॉर्म मैच्योरिटी नहीं है, यानी कि सिंक्रोनस मैच्योरिटी जिसे कहा जाता है, एक इंग्लिश में शब्द आता है, एक साथ फसल पकने को कहा जाता है सिंक्रोनस मैच्योरिटी, तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी इसमें नहीं आती, मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है गोला के पकने में। तो वही है यहाँ पर पिकिंग की बात की गई, तो पिकिंग आपको अगर देसी काटन में देखना हो तो 5-6 दिन के अंतराल में 10-12 पिकिंग करेंगे, और अगर हम अमेरिकन काटन की बात करें तो 3-5 दिन में पिकिंग का जो है हम 3-5 पिकिंग में पूरी पिकिंग कर देंगे अमेरिकन काटन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला देखिए हाइब्रिड काटन की सीड हमने आपको बताई दी है, तो ये देखिए लिखा हुआ है 2-3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अंतरण जो आता है 100/60, और उधर हमने 67/5 × देसी और उसका लिखाया था 30, और 67.5 × 45 है ना, ये देखिए देसी का था और अमेरिकन का था, है ना, ठीक है। तो ये स्पेसिंग देखिए इसकी ज्यादा हुई कि कम हुई, इसकी जो अभी हम दिखा रहे हैं हाइब्रिड कॉटन की, इसकी स्पेसिंग ज्यादा है, हमने पहले बताया था देसी में देखिए क्या क्या अंतर है, यही तो अंतर है देसी और हाइब्रिड में, तभी तो पौधे ज्यादा लग रहे हैं भाई, देखिए ना हाइब्रिड के पौधे जो है कम है, और बताया है कि पिकिंग जल्दी हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि अंतरण अधिक, जानते हैं अंतरण अधिक है, जब अंतरण अधिक होगा तो तोड़ने में आसानी रहेगी, अंतरण कम होगा तो तोड़ने में दिक्कत होगी, साधारण सी बात है, इधर देखिए अंतरण 100/60 है, उधर अंतरण कम था ना, तो जाहिर सी बात है जब अंतरण कम होगा तो फूल ज्यादा आएंगे, गूलर ज्यादा आएंगे, अंतरण अधिक होगा तो गूलर कम आएंगे, मोटा मोटा दिमाग लगाना है, बहुत पतला नहीं लगाना है ना, जो अगर बहुत होशियार जो बना लेना तो समस्या पैदा हो जाएगी, रेगुलरिटी बनाए रखिए है ना, कंटिन्यूटी पढ़ाई में, और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करना, कंटिन्यूटी होता है शिक्षा जो होती है, शिक्षा बहुत होशियारी की मोहताज नहीं है, समझ रहे हो, केवल वो चाहती है धैर्य और नियमितता, कंटिन्यूटी, धैर्य और नियमितता से आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए, एकदम नहीं आज हमने 20 घंटे पढ़ लिया, कल हमने 0 घंटे पढ़ा, तो ये नहीं, लगातार पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, है ना, आप विद्वान हो जाएंगे, और ये भी नहीं कि ये ना कभी जीवन में सोचना जो सही व्यक्ति होगा, ये नहीं सोचेगा कि हम अभी पढ़ लें नौकरी लग जाए, शिक्षा को तो छोड़ना ही नहीं है, जब तक आप जिंदा है तो शिक्षा को ग्रहण करते रहिए, है ना, कहीं से भी मिले, कहीं कुछ भी मिले, क्योंकि इससे ही आपका आगे सम्मान होने वाला है, ये समझ लीजिए समाज में, नहीं तो फिर अपमान बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो बीजी काटन की जो बीज दर है 1-1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और बीजी कपास के एक हेक्टेयर में 10,000 पौधे होते हैं, मुझे बताया था कि 10,000 पौधे होते हैं, अब देखिए इसकी सीड रेट 2-3 है, हाइब्रिड की बीटी की कितनी है 1-1.5 किलोग्राम, उधर हमने देसी और अमेरिकन की भी अलग अलग सीड रेट बताई थी आपको, 15-18 किलोग्राम के करीबन देसी की बताई थी, और 20-25 किलोग्राम के करीबन जो है हाइब्रिड की बताई थी, तो अमेरिकन कपास की बताई थी, इधर हाइब्रिड की 2-3 हो गई, और उधर जो है इसकी जो बीटी पैटर्न है इसकी 1-1.5, तो ये सब चीजें आप एक बार जो पढ़ेंगे लगातार तो आपको याद हो जाएगा। यदि कपास की सघन बुवाई करते हैं, जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी से पौधों को रोकते हैं, तो 19x19 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, और जब अल्ट्रा हाई होगी तो 2,27,000 पौधे हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपने जब इस रेंज से लगा रहे थे तो पौधों की संख्या कितनी थी, लगभग इस रेंज से लगा रहे थे तो 60-70,000 पौधे थे कि नहीं थे, और अगर हम इधर की बात करें, देखिए 67-30 और इधर 19x19 कितना कम, तो पौधे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पौधों की संख्या बढ़ गई, उधर जो है हम लगा रहे थे 67x30 के अनुपात में, हमारा पौधे 60-70,000 निकल के आ रहे थे, इधर जब हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी कर दिया यानी कि घनत्व बढ़ा दिया तो पौधों की संख्या अपने आप इंक्रीज, घटा दिया घनत्व घटाएंगे तो पौधे बढ़ेंगे, है ना, वही स्थिति इंडिया की है, अगर घनत्व जनसंख्या का बढ़ रहा है लगातार तो जमीन का रकबा जो है कम होता ही जाएगा, है ना, और जहां पर घनत्व कम है वहां जमीन का रकबा बढ़ता जाएगा, जहां घनत्व और कम है वहां आदमी जमीन पर नहीं रहेगा, वो बना रहा है ऊपर फ्लैट, फ्लैट डेंसिटी बढ़ा रहा है लगातार, दिल्ली में देखिए आप 11,000 लोग एक किलोमीटर में रह रहे हैं ना, 11,000 लोग, और वैसे 382 एवरेज जो है डेंसिटी देश की है, 382 लोग एक किलोमीटर में रह रहे हैं, दिल्ली में 11,000, 382 1,000, 3×1,000 फिर 1,000 का 11 गुना, है ना, तो मरेंगे नहीं और क्या करेंगे, है ना, मरने की स्थिति में है कि नहीं, डेंसिटी लगातार बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है, और जहां घनत्व बढ़ेगा समझिए आदमी भी पतला हो जाएगा, सांस भी नहीं ले पाएगा, कोई पौधे जैसा ऐसा पतला हो जाएगा, गूलर भी निकलेंगे तो बहुत सारे गूलर छोटे छोटे, लेकिन उनका कोई जो है औचित्य नहीं होगा, है ना, तो ये एक सिद्धांत है ना। चलिए माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तो उसके विषय में किसी दिन हम आपको बताएंगे, माल्थस का जो सेंसस का सिद्धांत था वो उन्होंने कुछ बताया था, उसमें उसको बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला पॉइंट विद्यार्थियों आता है, मैं फर्टिलाइजर के विषय में, काटन के विषय में बताएंगे। देखिए काटन को फर्टिलाइजर की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं पड़ती है जितनी जो है और क्रॉपों में पड़ती है, क्यों, पौधा बड़ा होता है पहली बात, और जिस सॉइल में ये होता है उस सॉइल में एक तरीके से जो है न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि बेसाल्ट मृदाएं होती हैं जहां पर ये होता है, और बेसाल्ट मृदाओं में नाइट्रोजन अगर हम देखें तो इसको कम देनी पड़ती है, लगभग अगर देसी काटन की बात करें तो 60-80 किलोग्राम दे रहे हैं ना नाइट्रोजन, और अगर फास्फोरस की बात करें तो 45-60, और अगर पोटास की बात करें तो 120 किलोग्राम,
और यही अगर हम असिंचित दशा में, ये देखिए सिंचित है, इरिगेटेड कंडीशन अनइरिगेटेड कंडीशन की बात की जा रही है। अनइरिगेटेड में इसलिए कम देते हैं क्योंकि जब पानी नहीं देगा तो एब्जॉर्ब करेगा कैसे न्यूट्रिएंट्स को, अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे देंगे तो फसल में फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जला देगा फसल को, है ना। तो पानी अगर है हमारे पास तो आप न्यूट्रिएंट्स देखिए एब्जॉर्ब कर लेगा पौधा। अगर पानी नहीं, असिंचित दशा में हर समय देखिएगा आप न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम दिए जाते हैं, सिंचित दशा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अधिक दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिंचित दशा में अगर कभी आ जाए आपको तो न्यूट्रिएंट्स जो है अबंडेंस बाहुल्यता में दिए जाते हैं, और अगर असिंचित कंडीशन है अनइरिगेटेड कंडीशन है तो ट्रेस मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को देंगे, कम देंगे। इसके बाद खरपतवारों की बात अगर होगी हमारे गार्डन में, तो कपास के मुख्य खरपतवार हमने बताया था आपको ट्राइथेमा, एक्नोक्लोबा और डाइसेरिया होते हैं, ठीक है। डाइसेरिया भी इसमें खरपतवार होता है, ट्राइथेमा, एक्नोक्लोबा और डाइसेरिया। इसके नियंत्रण के लिए ड्यूरान बताया था आपको कि ड्यूरान जो होता है 8.5 केजी प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। तो तीन इसमें प्रमुख, देखिए अगर खरपतवारों की बात करें गार्डन में तो ज्यादा खरपतवार नहीं लगते, क्यों, इसका पौधा खुद खरपतवार तरीके से रखा है, अगर ये थोड़ा उठ गया आधा मीटर तक निकल गया तो फिर इसे जो है खरपतवार कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, 2-3 फुट का हो गया उसके बाद खरपतवारों की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। अगर साधारण से बात करें हम कि अगर फिर भी छोटी उम्र पर इसमें अगर खरपतवार ज्यादा लगते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ड्यूरान का प्रयोग 8.5 kg यानी कि आधा लीटर ड्यूरान जो होती है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में लेकर के हम जो है स्प्रे कर देते हैं। तो खरपतवार तो देखिए हर चीज में लगता है, बचपन में खरपतवार लगेगा ही लगेगा, कोई फसल कोई जीव हो कुछ भी हो अगर उसका उदय हो रहा है पृथ्वी पर तो उसमें हर्बिसाइड लगेगा, खरपतवार लगेंगे। आप लोगों के पास भी इस समय बहुत सारे खरपतवार है, जब पौधा छोटा होता है तो उसे खरपतवार बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, तुम्हारे भी कोई न्यूट्रिएंट्स खींच रहा है ना, और जब वो निकल जाएगा जिस समय फिर उसका कोई खरपतवार कुछ नहीं करता, तो वो नीचे रह जाते हैं और तुम ऊपर निकल जाते हो। इसीलिए ये एक ऐसी बात है हमने बताई कि अपने जो है नेगेटिव पॉइंट के जो मित्र हैं जो खरपतवार है वो तुम्हारी ऊर्जा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, कहीं खेल में लगाएंगे कहीं कहीं लगाएंगे, है ना, वो तुम्हारे लिए बीट खरपतवार है, उनकी ऊर्जा को जो है अपनी ऊर्जा को उसमें रखना पीजिए, जो काम आपको सही लग रहा है पढ़ाई है तो पढ़ाई में अपनी 100% एनर्जी दीजिए, और जब आप इनसे ऊपर निकल जाएंगे तो ये नीचे ही जो है घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई, अब खरपतवार का नियंत्रण हमने कपास में किया, आगे देखेंगे। आगे बात आती है विद्यार्थियों कि कपास से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, एक है एरियोमीटर, जैसे बताया था एरियोमीटर क्या होता है, हमने कहा था कि जब फाइबर पक जाता है, कपास का रेशा जब पक जाता है और पकने के लिए हमारे से तो जान नहीं पाएंगे कि रेशा पका कैसे, तो जब हमारा कपास में रेशा पकेगा तो पकने की जांच जो है एरियोमीटर इक्विपमेंट से करते हैं। एरियोमीटर क्या हमें बताता है कि रेशा जो है पक चुका है या कच्चा, ठीक है, ऐसे हम जानकारी नहीं कर पाते, तो एरोमीटर जो होता है रेशे की परिपक्वता मापता है कपास में। दूसरा है नेपिनेस, अब नेपिनेस जो होता है हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो रेशा होता है उसमें जो गांठें होती हैं उन गांठों की मोटाई कम या ज्यादा तो नहीं है, या गांठों की दूरी जो है बराबर है इक्वल है कि नहीं है, इसी चीज को कॉटन की नेपिनेस इंडेक्स से मापा जाता है, यानी कि जो कॉटन पर छोटे छोटे धागे होते हैं, धागे ये देखिए कॉटन का धागा है और इस पे छोटे छोटे जो है गांठें होती हैं, वो गांठें समान जो है डायमीटर की हैं और समान दूरी की हैं कि नहीं, यही जो है अगर ये यूनिफॉर्मिटी होगी गांठों में उनकी जो है व्यास में और उनकी जो है आपस में दूरी में तो ये अच्छा नेपिनेस इंडेक्स जो है प्रदर्शित करेगा कॉटन, अगर इनमें थोड़ी मोटाई या पतलाई कम या ज्यादा होगी तो खराब नेपिनेस इंडेक्स प्रदर्शित कर रहा है, हमारा कॉटन में खराब क्वालिटी का, यही तो मेन इसका कारण है। ऐसे हम ले क्या है कॉटन से, ऐसा ही तो मेन चीज है, कॉटन को खाएंगे थोड़े बैठे, रेसा जब ले रहे हैं तो रेसे के विषय में भी तो जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि एरियोमीटर क्या होता है, नेपिनेस क्या होता है, स्पाइनिंग क्या होता है कॉटन में, ठीक है। तो यही देखिए लिखा होगा, कपास के रेशे की मोटाई मापने के लिए तथा गांठों की आपस की दूरी को नेपिनेस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये देखिए लिखा हुआ है, यानी कि जो गांठों की मोटाई है रेशे की उसके लिए और आपस की दूरी के लिए जो है नेपिनेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नेपिनेस इंडेक्स होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट है विद्यार्थियों स्पाइनिंग, देखिए स्पाइनिंग को हमने बताया, थोड़ा इसमें कॉटन में हल्का सा आपको ये लगेगा कि बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, ये सारे पॉइंट जो है बहुत सरल है। स्पाइनिंग का मतलब है कि आप कॉटन लीजिए, रुई लीजिए थोड़ी, और उस रुई से आप कितनी जो है रस्सी बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी, यानी कि आपने आधा किलो रुई ली, समझना हमारी बात, क्या 50 ग्राम रुई ली, रुई का मतलब कॉटन लिया, और इस 50 ग्राम में रस्सी बनाने के लिए हमें केवल 30 ग्राम रुई मिल पाई और 20 ग्राम जो है खराब निकल गई, अच्छी क्वालिटी की 30 ग्राम रस्सी बन पाई, तो यही इसकी स्पाइनिंग होती है, यानी कि कितना कॉटन जो है हमारा खराब।